हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैच कंपोनेंट। तो बैच बेसिकली क्या होता है? बैच एक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही छोटा सा फीचर है। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ लेबलिंग कंपोनेंट, जहाँ पर भी अगर आपको कोई एक ऐसी चीज़ शो करनी है आपके यूआई में जो काइंड ऑफ लेबल है, तो आप बैच यूज़ कर सकते हो। आइए देखते हैं बैच को एक्शन में कि एक्चुअली कैसा ये दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ बैच example.jsx। एंड इसको मैं बनाता हूँ एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट, और इसको हम लोग इम्पोर्ट करा लेते हैं हमारे ऐप जे एस के अंदर। bad_batch example, और इसको मैं सेल्फ क्लोज कर लेता हूँ अभी के लिए। मैं इस जो हमारा पुराना एग्जाम्पल था अलर्ट का, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट भी अभी के लिए मैं हटा देता हूँ ताकि क्लीन रहे स्क्रीन। यहाँ पे जाते हैं तो बैच जो कंपोनेंट है वो इम्पोर्ट हो गया है। तो अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, बैच को हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं। batch एंड इम्पोर्ट बैच फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो बैच आ गया हमारे पास में। बीच में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, सो इट्स लाइक अ लेबल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 456। और बैच का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इसमें बैकग्राउंड नहीं सेट करोगे, इसको बैकग्राउंड कलर इस टाइप से नहीं बताओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ bg=primary, तो जो बैच बनेगा उसका बैकग्राउंड जो होगा वो प्राइमरी कलर का होगा। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं सेट करते हो तो यू कैन नॉट इवन सी कि यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज बैकग्राउंड वाइट है और वाइट के साथ वाइट मिक्स हो गया है। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप बैकग्राउंड हमेशा देंगे, बैकग्राउंड प्राइमरी सेकेंडरी वार्निंग जो बेसिक क्लासेस हैं वो सब यहाँ पे काम करती हैं। वार्निंग देंगे तो यहाँ पे कि येल्लो कलर का बैच क्रिएट हो गया है। ओके, सो दैट इज अबाउट बैच। तो इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अगर इसके यूसेज की बात करें तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक शॉपिंग कार्ट बना रहे हो जहाँ पे आपको एक बटन बनाना है, उस बटन के आगे आपको दिखाना है टेक्स्ट के कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपके शॉपिंग कार्ट में हैं अभी, तो आप उसको एक बैच के अंदर दिखा सकते हो। कई बार मैंने देखी है कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे ब्राउजर कॉलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग दिखाते हैं इनकमिंग कॉल आउटबाउंड कॉल कितने हुए, उन सबको हम बैच के अंदर दिखाते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, लेकिन आप बैच को बटन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी कमेंट दिस आउट, एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, और नॉर्मल बटन नहीं मैं क्रिएट कर रहा, मैं बूटस्ट्रैप का ही बटन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं इसको इम्पोर्ट करा लेता हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप रिएक्ट के लाइब्रेरी में से, एंड मैं कुछ लिख देता हूँ उसमें बैच। ओके, बैच बैच बैच, तो मुझे इसके अंदर बैच लिखना पड़ेगा बैच, और इसके अंदर मैं ये टेक्स्ट लिखता हूँ बैच। ओके, एंड हमारे बटन के अंदर भी हम लोग कुछ एक टेक्स्ट लिख देते हैं बटन, तो इसको मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, एंड बटन को भी हम लोग एक वेरिएंट दे देते हैं वेरिएंट, और वेरिएंट हम दे देते हैं इसको प्राइमरी। अगर हमारा बटन प्राइमरी है तो हमारा बैच भी अगर प्राइमरी होगा तो दिखेगा नहीं उसके अंदर का टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ सेकेंडरी, तो हमारा जो बटन है, ओके, मैंने प्राइमरी में शायद स्पेलिंग primary प्राइमरी स्पेलिंग गलत कर दी थी। ओके, नाउ वी हैव, तो आप देख सकते हो बटन है, बटन प्राइमरी बटन है, और इसके अंदर एक बैच है जो कि सेकेंडरी में है। तो आप अब आई थिंक आपको ज़्यादा आइडिया लग गया होगा कि बैच को कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। बटन के अंदर अगर आपको कुछ एक चीज़ हाईलाइट करनी हो तो आप इस तरीके से बैच को यूज़ करके कर सकते हो। तो अब आते हैं, एक चीज़ और है बैच के अंदर, इसकी बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो बैकग्राउंड हो गया, आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। एक और है बैच की प्रॉपर्टी batge, मैं एक बैच क्रिएट कर लेता हूँ, और इसमें हम लोग दे देते हैं 456। ऊपर की ये लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैं दे देता हूँ bg=primary, और एक अच्छा सा प्राइमरी बैच बन गया। यहाँ पे अगर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बैच अभी बना है, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ उसको, ये जो बटन जैसा लग रहा है, ये जो बैच है अभी, इसके राउंड जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हैं लेकिन कम्प्लीटली राउंड नहीं है। तो अगर मैं इसकी बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँ तो लेट मी शो यू कैसे कर सकते हैं हम इसको। बेसिकली पिल अगर हम एक एट्रीब्यूट देंगे तो आप देख सकते हो ये जो है इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो और बढ़ गया है, तो इट्स लाइक अ कम्प्लीट राउंड काइंड ऑफ थिंग।
तो ये बेसिकली वैसा ही बैच का पिल क्लास है जो हम लोग नॉर्मल बूटस्ट्रैप में यूज करते हैं। यहाँ पे एज अ प्रॉपर्टी आप पास कर सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ज्यादा कुछ नहीं है बैच के बारे में। इट्स अ नाइस टूल टू हैव और आप इसको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।